अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आप सबको खुश रखे। आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं उसके लिए हम सबसे पहले 1 टेबलस्पून चीनी लेंगे और 1 टेबलस्पून इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। और इसे हम पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी मेल्ट हो गई है तो अब हम इसके अंदर ग्रीन कलर ऐड करेंगे। और अब हमने चूल्हा बंद कर दिया है। बाउल के अंदर डालकर इस तरह से फैलाकर अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर 2 कप मैंने दूध लिया है और इसके अंदर 4 टेबलस्पून चीनी ऐड करूँगी और इसको अच्छे से पका लूँगी जब तक ये आधा रह जाए। 2 कप है तो 1 कप के करीब रह जाए तब तक हमने इसको पकाना है। यहाँ पर दूध रेडियस होकर तकरीबन 1 कप के करीब रह गया है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इस दूध को ठंडा कर लेंगे अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर 3 अदद मैंने अंडे लिए हैं, इनको अच्छे से फेंट लेंगे। अंडे के अंदर हम 2 ड्रॉप जो हैं वो वनीला एसेंस के ऐड करेंगे और 1 पिंच फूड कलर जो येलो कलर वो ऐड करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध को ठंडा करने के बाद हम इन अंडों के अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस बाउल के अंदर अंडे और दूध का मिक्सचर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए के अंदर पानी डालकर मैंने इसे गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर ये वाला बाउल रखेंगे और ऊपर से हम इसे ढक देंगे और ऊपर से हम कोई भी बर्तन रख देंगे और ऊपर से ढक देंगे। हमारी पुडिंग जो है वो बन रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पुडिंग को ठंडा करने के बाद हम इसको साइडों पर से इसके किनारे छुड़ा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ऊपर से एक प्लेट की मदद से हम इसको निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार सी हमारी पुडिंग रेडी हो चुकी है। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल SS कुकिंग एंड बेकिंग को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा और आल पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें।